हेलो एवरीवन, आई एम रवीना। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पोटैटो ट्विस्टर्स, इन्हें पोटैटो टॉर्नेडोज भी कहते हैं। ये बहुत ही अच्छा लगने वाला पार्टी स्नैक है। आप जल्दी से इसे बना सकते हैं जब चाहें, और आज हम इन्हें बनाएंगे बिना किसी मशीन के। जैसे जनरली ये मार्केट में जो है वो मशीन से बनाए जाते हैं, पर हम इन्हें घर पर बनाएंगे और बिल्कुल सिंपल, हमारे जो रेगुलर नाइफ होता है उससे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने 3 आलू लिए हैं मीडियम साइज़ के, और इस तरह की कुछ स्क्रूअर्स ली हैं ये। अब हमें क्या करना है, आलू को अच्छे से वॉश करके उसके अंदर इस स्क्रूअर को फिक्स करना है। देखिए, इस तरह से आपको इसको डालना है और अपने स्क्रूअर को आपको रोटेट करना है। हाथ को आपको रोटेट करते हुए स्क्रूअर को अंदर फिक्स करना है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना है, अदरवाइज़ वो आपकी जो स्क्रूअर है वो टूट भी सकती है। ये जो स्क्रूअर्स होती है ये इजीली आजकल किसी भी स्टोर पे आपको मिल जाएगी, आर्ट एंड क्राफ्ट की स्टोर पे आप ले सकते हैं इन्हें वहाँ से। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसे फिक्स कर दिया है, ये दूसरी तरफ निकल गया है। अब हम एक नाइफ़ लेंगे, एक शार्प नाइफ लेना है आपको, और इस तरह से आपको अपने जो नाइफ़ वाला जो हाथ है उसको थोड़ा सा टेढ़ा रखना है। देखिए, मैं इसका आपको क्लोज़र दिखाती हूँ। देखिए, इस तरह से आपको एक हाथ में आलू को अच्छे से होल्ड करना है और दूसरे हाथ में जो नाइफ़ है आपको उसको, नाइफ़ को आपको चलाना है। इस तरह से आपको आलू को रोटेट करना है। जिस हाथ में आपका नाइफ़ है वो हाथ आपका वैसा ही रहेगा, बस वो ऊपर नीचे जो है वो नाइफ़ को मूव करेगा, हाथ को मूव नहीं करना है। सारा जो प्रेशर है आलू पर लगाना है। अच्छे से आलू को होल्ड करिए और इस तरह से उसे रोटेट करते हुए उसे कट लगाइए। बहुत ज़्यादा पतले कट नहीं लगाने हैं, अदरवाइज जब आप उसे फ्राई करेंगे तो वो एकदम पतले चिप्स जैसे लगेंगे। देखिए, इस तरह से अप्रोक्स 5 रुपीज़ का जो कॉइन होता है उस साइज़ के आपको इसके कट लगाने हैं। बहुत ज़्यादा मोटे, बहुत ज़्यादा पतले नहीं करने हैं। और जो आलू जो है वो आपको स्टार्टिंग में, अगर आप बिना छिले हुए आलू को करेंगे तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, तो छील करके आलू को ट्राई कीजिए एक बार। जब आप एक बार आपका जब छिले हुए आलू पर हाथ बैठ जाएगा तो आप इजीली जो छिलके वाले आलू हैं उन्हें भी कट कर लेंगे। आपका नाइफ़ जो है वो बहुत ज़्यादा शार्प होना चाहिए। देखिए, इस तरह से अच्छे से आलू को रोटेट करते हुए सारे कट्स लगाने हैं, बिल्कुल एंड तक लेकर के आना है आपको उसे। अब एक हाथ से आपको आलू को पकड़ करके उस पर प्रेशर लगाना है और दूसरे हाथ से उसे लूज़ करना है। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है और बहुत ज़्यादा स्पीड में उसे खींचना भी नहीं है, एकदम हल्के हल्के हाथों से उसको लूज़ करना है ताकि जो उसके स्पाइरल्स जो हैं वो अलग अलग हो जाएं। देखिए, इस तरह से धीरे धीरे एक एक स्पाइरल को हमें अलग अलग करना है। इसमें ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो हो सकता है कि बीच में से वो ब्रेक भी हो सकता है। देखिए, इस तरह से अच्छे से बीच में हल्के हल्के से फिंगर्स से उससे गैप करते जाइए। ये एकदम रेडी हो गया है हमारा स्पाइरल। इसी तरह से दूसरे को भी रेडी करेंगे हम। और आलू को स्पाइरल बनाने के बाद आपको उसे पानी के अंदर डिप करके रखना है ताकि वो काले नहीं पड़े जब तक आप दूसरे बना रहे हैं। इसी तरह से दूसरे को भी करना है। जब आप फर्स्ट आलू को बनाएंगे तब आपको लगेगा कि थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट आगे जो सेकंड आलू में आपको पता चल जाएगा कि आपको नाइफ़ किस तरह से चलाना है, क्योंकि सबका जो होता है वो नाइफ़ चलाने का तरीका अलग अलग होता है। तो उस तरह से आप खुद ही इसे सेट कर लेंगे कि किस तरह से आपके स्पाइरल्स इसके बनाने हैं आपको। आप हाथ में लेकर भी बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से, तो इसे भी मैं इस तरह से लूज़ कर दूँगी हल्के हल्के हाथों से। तो ये भी स्पाइरल बनके रेडी हो गया है। इस तरह से मैंने तीनों को रेडी कर दिया है। अब इन्हें 10 से 15 मिनट पानी में ऐसे सूख होने देंगे ताकि जो इनका स्टार्च है वो इसमें से थोड़ा सा रिमूव हो जाएगा। तब तक हम इसकी कोटिंग बना लेते हैं। तो कोटिंग बनाने के लिए यहाँ मैं ले रही हूँ 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। आप कॉर्नफ्लावर की जगह अरारोट का पाउडर भी ले सकते हैं। फिर हम लेंगे 4 टेबल स्पून मैदा।
कॉर्नफ्लोर और मैदे की क्वांटिटी बराबर ली है मैंने। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून चाट मसाला। कश्मीरी रेड चिली पाउडर जो है वो इसमें बहुत अच्छा रेड कलर देगा। चाट मसाले की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा और ज़्यादा चटपटा पसंद है तो। अच्छे से तीनों को मिला लेंगे सबको। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट और अब 1/2 कप पानी के साथ हमें इसका एक थिन बैटर रेडी करना है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एकदम इसका लम्प फ्री बैटर बनाना है। बिल्कुल गुठली नहीं रहनी चाहिए आपकी बैटर के अंदर। अच्छे से उसे मिक्स करना है या आप चाहें तो स्पून से भी कर सकते हैं। इस तरह से उसका एक पतला बैटर बनाना है। ये देखिए इतना पतला हमें उसका बैटर बनाना है। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा एकदम पतला भी नहीं करना है। मीडियम थिक कंसिस्टेंसी का रेडी किया है यहाँ पे। अब साथ में जो हमने पोटैटो स्पाइरल्स जो हैं हमारे उन्हें भी पानी में डिप हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब इस तरह से उसका जो एक्सेस वाटर है वो जार निकाल देंगे इस तरह से झटक के उसमें से। अब जो हमने ये मिक्सचर बनाया है इसकी कोटिंग इस पर अप्लाई करेंगे। अच्छे से स्पून से इस पर डालना है। बहुत सब तरफ से डलना चाहिए, कहीं पे भी छूटना नहीं चाहिए। चाट मसाले का इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आने वाला है। अब हम इस तरह से ब्रेड क्रम्स लेंगे और ब्रेड क्रम्स पे इसको इस पर अप्लाई करेंगे। अच्छे से ब्रेड क्रम्स लगाने हैं। ब्रेड क्रम्स जब फ्राई होंगे तो अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे और साथ ही आपको कढ़ाई में तेल भी गर्म होने के लिए रखना है। इस तरह से तीनों स्पाइरल्स रेडी करने हैं सेम प्रोसेस के साथ। ये देखिए तीनों रेडी हो गए हैं। अब इन्हें तलते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, एक बार चेक कर लेंगे। गैस की फ्लेम जो है वो मीडियम रखनी है और जो ऑयल है वो मीडियम हॉट ऑयल होना चाहिए। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर वाले ऑयल में हमें इन्हें फ्राई नहीं करना है, अदरवाइज ये जल जाएंगी। मीडियम फ्लेम पर इन्हें गोल्डन क्रिस्प होने तक हमें इन्हें तलना है। इस तरह से चम्मच से आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं ऑयल को, क्योंकि अगर आलू थोड़ा सा बड़ा है साइज में तो वो पूरी तरह से तेल में डूबेगा नहीं। ब्रेड क्रम्स लगाने से इसमें बहुत अच्छा क्रिस्पीनेस आएगी। अगर ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप कोटिंग तक ही रख सकते हैं और कोटिंग करने के बाद उसे डायरेक्ट तल दीजिए। अगर आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स की रेसिपी आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। देखिए इस तरह से दूसरा भी मैं डाल रही हूँ। और अब हम इन्हें गोल्डन क्रिस्प होने तक तलेंगे अच्छे से। ये देखिए अच्छे से गोल्डन क्रिस्प हो गए हैं। अब हम इन्हें से ऑयल में से निकाल देंगे और किसी टिश्यू पेपर पर ले लेंगे ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो सारा टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा। और जो लास्ट हमारा एक और बचा हुआ है उसे भी इस तरह से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए
तीनों तल के रेडी हो गए हैं स्पाइरल्स। अब यहाँ मसाला बनाते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने लिया है नमक, रेड चिली पाउडर, चाट मसाला और रोस्टेड जीरा पाउडर। जीरा पाउडर भुना हुआ है। तीनों मैंने बराबर क्वांटिटी में लिए हैं, 1-1 टीस्पून। आप चाहें तो रेड चिली की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं अगर थोड़ा स्पाइसी चाहिए तो। अब इस तरह से हम इन्हें एक ट्रे में लेंगे। जैसा चाहें आप इसकी प्लेटिंग कर सकते हैं। अब इस पर हम ये मसाला जो है वो स्प्रिंकल करेंगे। अच्छे से लगाना है मसाला, सब तरफ लगना चाहिए मसाला इसका। देखिए अब इस तरह से इस पे मायनीज लगाएंगे। आप चाहें तो इन्हें केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे पोटैटो स्पाइरल्स बनकर के बिल्कुल रेडी हो गए हैं। इन्हें गर्म गर्म सर्व करेंगे तो ये बहुत अच्छे लगेंगे खाने में। आप कभी भी इन्हें बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और साथ ही आप अपने कमेंट्स और सजेशंस मुझे कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल बटन को दबाना भी ना भूलें ताकि नई वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशंस है आपको मिलती रहे। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए एंजॉय।